नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे विभिन्न भावों में शनि के बैठने से जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब शनि सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठता है तो जातक को एक डिसिप्लिन देता है, मतलब उसको पसंद होता है कि वो डिसिप्लिन के अनुसार ही अपना काम करे और सामने वाले भी जो इसके मिलने वाले हैं, जो इसके पास रहते हैं, वो सब भी डिसिप्लिन के अंदर ही रहें। ये जातक को नास्तिक बनाता है, मुफ्त में चिंता देता है, शारीरिक सुख के लिए हीन भावना प्रकट करता है। ये जातक कह सकते हैं देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होता, कुरूप होता है। धन संपत्ति के अगर मामले में हम कुछ कहें तो कह सकते हैं ये अपनी जो धन संपत्ति है वो धीरे धीरे अर्जित करता है, मतलब एकदम स्पीड नहीं पकड़ सकता है, ये धीरे धीरे कमाता है, लेकिन वो धन इसके लिए सेफ रहता है। यदि तुला धनु मकर कुंभ या मीन राशि में हो तो ये जातक को एजुकेटेड बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है, कह सकते हैं ये फेस वाइज भी सुंदर बनाता है, रूपवान बनाता है, पतला और लंबी आयु देता है। इसके बाद आता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में भी धन और कुटुंब भाव को देखते हैं तो सेकंड हाउस में भी कहते हैं यदि ये धन अर्जित करता है तो धीरे धीरे लेकिन निरंतर करता रहता है, लेकिन ऐसा धन लंबे समय तक बना रहता है। अगर यहाँ पे शनि अशुभ हो तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये यहाँ पे भी ऋण देता है, ऋण समझते ही होंगे। अगर अशुभ हो तो कह सकते हैं कि यहाँ पे कि जातक की सुंदरता को बिगाड़ता है, लेकिन लोकप्रियता एवं प्रसिद्धि भी देता है। इसके बाद कह सकते हैं कि पारिवारिक सुख सुविधाओं की भी यहाँ पे कमी करता है। ये जातक हमेशा दूसरों के लिए बुरा सोचता है और कोई खास यहाँ पे ये रिजल्ट देता नहीं है। इसके बाद आता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में यदि शनि बैठता है तो धन संपत्ति का यहाँ पे लाभ देता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है, फेमस करता है जातक को, घर में खुशी का माहौल होता है। लेकिन जब यात्रा करता है, क्योंकि छोटी मोटी यात्राएं हम यहाँ से देखते हैं, तो कह सकते हैं कि वहाँ पे ये दुर्घटनाएं दे सकता है, जैसे कि यदि अपने वाहन से या किसी के वाहन से जाता है तो कह सकते हैं वाहन दुर्घटना यहाँ पे दे सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बोली के लिए देखते हैं यहाँ पे, तो शनि जब यहाँ पे बैठता है थर्ड हाउस में तो कह सकते हैं कि उसकी जो बाणी होती है वो कठोर होती है। चतुर्थ हाउस यानी कि फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में जब शनि बैठता है तो कहते हैं कि ये बहुत स्लो अपनी जीविका अर्जित करता है, या फिर कह सकते हैं कि ये बहुत स्लो स्लो अपना काम करता है, स्लो स्लो अपना धन एकत्रित करता है। इसको जो भी मिलता है वो बहुत लेट मिलता है। इसको यहाँ पे डिसिप्लिन पसंद होते हैं, यानी कि जो भी काम करता है घड़ी के अनुसार ही कार्य करता है। इसकी जो जो पैतृक संपत्ति जिसे बोलते हैं, माँ बाप से जो मिली हुई, वो यहाँ पे इसको मिलती नहीं है। यदि वो उनको मिलनी भी होती है तो वो कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम आ सकती है या आती है। इनकी जो माता है, क्योंकि माता के लिए भी हम यहाँ पे देखते हैं, तो उनका भी ये स्वास्थ्य होता है वो ठीक नहीं होता है और दिमागी रूप से ये अप्रसन्न रहते हैं, ना हैप्पी अनहैप्पी। इसके बाद है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में जब शनि बैठता है तो कहते हैं कि इनके जो बच्चे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, या तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, या तो गर्भपात या फिर कह सकते हैं कि विवाह में देरी, या फिर जैसे बच्चा कंसीव हो गया, वो अबॉर्शन हो गया, उस टाइप का जातक को यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि ये यहाँ पे उच्च राशि में हो या स्वय राशि में हो तो जो कि क्या बोलते हैं, जातक को अच्छा निवेश, अच्छा लाभ, अच्छी भू संपत्ति दे सकता है। इसके बाद आता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स हाउस में शनि अच्छा लाभ दे सकता है, अच्छी धन संपत्ति दे सकता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करा सकता है, फेमस कर सकता है, इसका जो जो बुद्धि है नम्र बुद्धि बना सकता है,
लेकिन यहाँ पे जो इसके जो नौकर वगैरह हैं, सेवक है, वो इनको परेशानियाँ दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ नौकर वगैरह ये सबको भी हम, इनके सेवक वगैरह को भी हम सिक्स हाउस से देखते हैं। इनके जो शत्रु हैं वो लोग इनको ज़्यादातर हानियाँ दे सकते हैं। इनको एडवाइस दी जाती है कि अपने शत्रुओं से, अपने सेवकों से सावधानी बरतें। इसके बाद आता है सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस में जब शनि बैठता है तो इसकी पत्नी या पति, पत्नी के लिए पति कह सकते हैं कि ज़्यादातर वो बीमार रहता है या फिर बीमार रहेगा, यानी कि रोगी पत्नी मिलती है उसको। इसको शयन कक्ष की भी पूर्ण तरह से कह सकते हैं कि खुशी नहीं मिलती है, लेकिन ये फेमस हो जाता है यहाँ पे। और यूँ कि ये सेवेंथ हाउस है जो पत्नी को देखती हैं, तो कह सकते हैं कि इसकी जो पत्नी होती है वो सांवले रंग रूप की होती है, लेकिन अच्छी होती है, निष्ठावान होती है, कर्मफुल होती है, मतलब इनका कहना मान सकती है। इसके बाद आता है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस में जब शनि जाता है तो कहते हैं कि जातक ठीक ठाक नहीं बोलता है, मतलब एक गंदा सा रहना या अपने आप को डर्टी डर्टी सा कुछ रखता है। इसको पुअरनेस यहाँ से मिलती है, मित्र भी नहीं उसके ज़्यादा होते, मित्रों की भी काफ़ी कमी यहाँ पे होती है इसकी जो। लेकिन इसकी जो आयु है वो यहाँ पे लंबी आयु होती है, क्योंकि यहाँ पे आयु को भी देखते हैं। जब ये आदमी बीमार होगा, जब जब इसकी मृत्यु होने वाली होती है, क्योंकि मृत्यु को भी यहाँ से देखते हैं, बीमारी को भी यहाँ देखते हैं। एट्थ हाउस में जब शनि बैठता है तो कहते हैं कि लंबी आयु के बाद इसकी मृत्यु होती है। ऐसा नहीं कि एक अटैक आया और गया, इस टाइप का नहीं, एक लंबी बीमारी के बाद यहाँ पे जातक अपनी आयु को और अपने उसको देखता है। इसके बाद आता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस में कहते हैं कि पिता को या धर्म धार्मिक चीज़ों को देखते हैं, तो इनके जो पिता होंगे वो सामान्य स्तर के होंगे, यानी कि फाइनेंशियल वाइज वो बहुत बड़े लेवल के नहीं होते हैं, मतलब सामान्य अपने फाइनेंशियल वाइज होती है। जब शनि की दशा आती है, क्योंकि शनि का यहाँ बैठना ठीक नहीं होता है, क्योंकि बाप बेटे एक साथ बैठना, क्योंकि शनि सूर्य के पुत्र हैं, तो सूर्य की चर्चा हम कर चुके हैं, यहाँ नाइन्थ हाउस की चर्चा कर रहे हैं। नाइन्थ हाउस में जब शनि बैठता है तो जब शनि की दशा आती है तो पिता को कोई ना कोई भय सताता रहता है। इनको लोक निंदा, घर अप्रसन्नता, परेशानियों से युक्त जो यात्राएं होती हैं, वो जब भी यात्रा वगैरह करेगा तो वो संतोषजनक नहीं होती हैं। इनकी आंखें भी वीक रहेंगी यहाँ पे। ये सारी चीज़ें नाइन्थ हाउस में जब शनि बैठता है तो देखने को मिलती हैं। इसके बाद आता है टेंथ हाउस। टेंथ हाउस जो कि कर्म का भाव है, और टेंथ हाउस में यहाँ पे शनि बैठना ठीक होता है, हालांकि ये विवाह में थोड़ी सी देरी करता है, लेकिन यहाँ पे टेंथ हाउस में शनि का बैठना ठीक होता है। ये जातक को एक लंबी, एक बड़ी, बहुत ऊंची बुलंदियों तक जातक को ले जाता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि ये जातक को एकदम ऊपर तक ले जाता है, वहाँ सीधा नीचे गिराता है, कि जातक कुछ करने लायक रहता ही नहीं है, वो दोबारा उठ ही नहीं पाता है। और देखा, यहाँ पे देखा गया है कि व्यापार, सॉरी, यहाँ पे जातक अपने जो व्यापार है या अपने जो भी ये कर्म कर रहा है उससे ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये नाखुश रहता है, मतलब सेटिस्फाई नहीं होता है। इसके बाद आता है इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस में यदि जातक जॉब कर रहा है तो कह सकते हैं कि इसको इंक्रीज वो करता रहता है, मतलब बढ़ी हुई आय मिलती है इसको। ये जातक अपने कर्म से समाज में फेमस होता है, कई अधिकारों वाला होता है, इसको काफ़ी धन वगैरह जो भी ये चाहता है वो जातक इसको मिल जाता है, क्योंकि ये गेन का हाउस है। इसके जो मित्र होते हैं, क्योंकि ये मित्रों को भी देखा जाता है, तो इसके जो मित्र हैं वो इनसे जेलस करते रहेंगे, मतलब जेलस टाइप का रहेंगे। और इनके जो प्रेम संबंध हैं वो यहाँ पे इनको निराशा प्रदान करते हैं। अगर ये यहाँ पे जो चंद्रमा से ये दृष्ट होता है तो कह सकते हैं
कि अच्छा चिकित्सक भी यहाँ पे बन सकता है, और सूर्य से दृष्ट होता है तो अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। 12th हाउस, 12th हाउस जो कि शत्रुओं का हाउस है, हानि का हाउस है, हॉस्पिटलाइजेशन सारी चीज़ यहाँ से हम देखते हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जातक के जो दुश्मन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे शत्रु होते हैं। यहाँ जातक बेशर्म टाइप का हो जाता है, संतान का शुक्र यहाँ नहीं मिलता है। जब ये बूढ़ा होता है, बुढ़ापे में परेशानियाँ आती रहती है, धन संपत्तियों से हानि होती है, परिवार में इनका वियोग वगैरह कह सकते हैं कि वियोग वगैरह ये सारी चीज़ों को ये फेस कर सकते हैं। अब जैसे दुर्घटनाएं, हानियां हैं, नाखुश, सेक्स लाइफ डिस्टर्ब, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फेमस कर मतलब फेस करते हैं। तो ये हुआ शनि का विभिन्न हाउसों में बैठने से जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगले वीडियो को जल्दी हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।